देखिए तो मानते हैं पाकिस्तान में थोड़ी है उसका बच्चा, तो उनका चार गो बच्चा जो पहले से पाकिस्तान में नहीं मिला है उसको। अरे पगली हिंदू पाकिस्तान का बच्चा लोग हिंदुस्तान में ना उसका पति है ना वही ना उनको तो फिर इसीलिए आई है क्योंकि उनको मालूम, लेकिन सबको नजर रखना चाहिए कि वो प्यार कर रही है कि इसके बाद कुछ भी गलत न कर दे। अच्छा हो सकता है हिंदुस्तान के बारे में कुछ जासूसी भी कर ले उसके माध्यम से, क्योंकि पाकिस्तान का नजर हिंदुस्तान पर हमेशा रहता है। अब बताइए हाँ। कि वो प्यार नहीं किए, हो सकता है कोई जासूसी भी कर रहे चल जाता, लेकिन वो लेडीज है, उनका चार बच्चा भी है, पति भी है, जब उनको अफेयर करना ही चाहिए तो पाकिस्तान में भी रह लो जी। पाकिस्तानी पसंद नहीं है तो इसीलिए ना हिंदुस्तान आई है, तो पता अब आगे चलकर देखा जाएगा कि वो प्यार कर रही है कि इसमें कुछ और डाल में कलम हो बोल रही कि मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इतना विश्वास और कोई दिलाया है, बहुत लोग ऐसा ऐसा काम किया है हाँ। लेकिन बाद में कहीं हिंदुस्तान पर कुछ अफवाह न फैला दे, कुछ बात न बोल दे, कहीं हिंदुस्तानों वाले से पेट नहीं भरा फिर इसके बाद कहीं बांग्लादेश में चले जाए हाँ, तब उनका मर्जी है, मैंने उसका मर्जी है अभी तभी ना कहाँ से कहाँ जी। हमारे सरकार से बस यही निवेदन है, सरकार से नहीं पूरे हिंदुस्तान वालों से निवेदन है कि आप उन पर अवश्य नजर रखें। अरे तो पति पत्नी है लोग, उस पर कहा ला कोई नजर रखेगा, नजर पति पत्नी है लो ना, पाकिस्तान से हम लोग का कितना खतरा है मालूम नहीं आप लोग? अच्छा सबको मालूम है जी, उससे भी खतरा हो सकता है जी। तो सचिन कैसा है कि उससे प्यार करके बुला लिया, तो वही ना जब वो अपने मन से आई है तो ऐसे में तो नहीं, कुछ ना कुछ राज जरूर रची होगी तभी। अच्छा राज है जी, अब देखिए कि अब क्या पता आगे पता ना अब क्या क्या होगा, अब आगे देखना ही। अब सोचने वाली बात है उस सीमा हैदर के बारे में, जिसके पति पाकिस्तान के हैं, बच्चे पाकिस्तान का है, फिर एक हिंदुस्तान के कुंवारे लड़के से प्रेम करती है, प्रेम करने के बाद हिंदुस्तान आती है। अब सोचना सबसे बड़ी बात है कि ये भी बच्चा पैदा करेगा, करेगा ना जी। तो ये सची क्या पता कि चार गो अभी पैदा कर दीजिएगा, इसके बाद आठ गो हो जाएगा उसका, आठ गो के बाद हिंदुस्तान छोड़ के फिर कोई बांग्लादेश में चले जाए तो वहां से ले। कोई चार गो वहीं करना होगा, तो क्या विश्वास है उस पे जी? आपने कर लिया, सचिन भी गलती किया है, ठीक है मानते हैं पाकिस्तानी है, प्यार किए बुलाओ, तो ये भी सेंस रखो भाई, चार बच्चे की माँ है, अब हो सकता है उसको एक दर्जन बच्चे का माँ बनना हो तो कोई क्या करेगा जी। राइटर रजनीकांत बाती जानता जमाना, सचिन के अब बने गइल जनाना, हो राइटर रजनीकांत बाती जानता जमाना, सचिन के अब बने गइल जनाना, कोहेली रानी सही ना कोइलु, सचिन से शादी कोइलु भौजी कहबु, हो सचिन से शादी कोइलु भौजी कहबु, हिंदुस्तान में अयलू अब तू भौजी कहबू। भौजी तो बना दी, लेकिन आपकी भौजी पूरा साफ छवि के है, साफ छवि के है, उसमें कोई दाग नहीं है भौजी में, क्या कहिएगा? तो हम क्या कहेंगे, अब यही कहेंगे जैसा की है वैसा देखे, अब दुनिया सारा तो देखे बढ़िया की है, हम लोग के नजर में तो अच्छा ही की है, पाकिस्तान का नाम भी डुबा दिया, अच्छा काम किया। अच्छा पाकिस्तान का नाम डुबा दिया, मेरे हिंदुस्तान का सर ऊंचा कर दी, झंडा लहरा दी, राम नाम का नारा लगा रही है। अच्छा हिंदुस्तान का झंडा लहरा रही है, पाकिस्तानी नीचे चल गया। हाँ हाँ एकदम नीचे। अच्छा पाकिस्तान की लड़की है, पाकिस्तान वाला वो अपने औलाद से हार जाता है, अच्छा इसीलिए पाकिस्तान हम लोग पर हमला करता है, तो अपने से अपने हरा गया है। अच्छा हिंदुस्तान का लड़की लेडीज जेंट्स लेडीज होकर मेरे पाकिस्तान का होकर मेरे हिंदुस्तान में आकर राम नाम का नारा लगा रही है, हिंदुस्तान भी नहाएंगे, अच्छा। पूजा पाठ भी हर कुछ करेंगे। अच्छा। हाँ? ये देख लिया, खुला बोल रहे कि पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं शादी करें, हाँ ये तो और किसी को ये ना सोच। अच्छा, अगर पाकिस्तान से मर्द बोलता है कि पाकिस्तान ना मर्द है, ना मर्द है बात सही, बताइए ऐसा ही थोड़ी खोड़ा खोड़ा बोलता है कि पाकिस्तान को हम एक एक घंटे में खत्म कर देंगे, बताइए मेरा हिंदुस्तान वाला कहीं नहीं गया, वो खुद ही अपने आप अपने पूरा अपने पाकिस्तान का सर नीचे कर दी, क्या क्या करके मेरे हिंदुस्तान क्या करके फिर कराने आ गई। हाँ। आप सोचिए रे पाकिस्तानी, तुम लोग कैसा ना मर्द है कि एक अपने औलाद को नहीं रख सकते हो पाकिस्तान में, तो तुम लोग हिंदुस्तान पे काहेला हमला करते हो? सोचो ना, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, पाकिस्तान की औरत है, और उसका पति कितना नामर्द है कि जो अपने पति को नहीं रख पाया पाकिस्तान में कि हिंदुस्तानी के पास आ गई है शादी करने के लिए, प्यार कैसा हो गया? तुम लोग कैसा नामर्द है रे पाकिस्तान वाला? हमको तो लगता है बहुत सारा आने को सोचता होगा, लेकिन उसको पासपोर्ट वीजा ही नहीं मिलता होगा इसलिए नहीं आती होगी, इसने दिमाग लगाई और हिंदुस्तान चली आई, हो सकता है ना? हाँ, वो अभी एक आई तो धीरे धीरे जो जो सोच रहा था सब आएंगे। चलिए एक लड़की भी बोल रही है,
और हिंदुस्तान वाले भी गर्व से बोल रहे हैं कि रे पाकिस्तानी तुम लोग ना मर्द हो, क्योंकि एक लड़की एक औरत को तुम लोग नहीं संभाल सकते हो, और भी तुम अपने यहाँ की औरत को, तो तुम लोग हिंदुस्तान को क्या हराओगे। ये तो हिंदुस्तान है कि देख लो ना, तुम्हारी बहन और बेटी को भी खींच लिया, एक पबजी गेम पर ऐसा प्यार ऐसा हमला किया, ऐसा बाण चढ़ाया कि तुम लोग ऐसे ही गिर गए। तो बाकी इस नमर्दों के बारे में आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो शेयर कीजिएगा।